नमस्कार, मेरा नाम गोविंद दीक्षित है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय कक्षा गणित विज्ञान प्रदर्शन का स्वागत करते हैं। गुजरात राज्य जिले गिर सोमनाथ तहसील कोडीनार विभाग चार ऐतिहासिक विकास कृति नाम विविध खिलौने के साथ शैक्षणिक विकास। मेरा नाम गोहिल कृति। हम आप सबको आज बहुत सारे खिलौने के बारे में बताएंगे। उनमें से कहीं खिलौने कागज़ के हैं और कहीं खिलौने मिट्टी के हैं। उनमें हमने प्लास्टिक का ज़रा सा भी उपयोग नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक से ज़मीन और हवा दोनों ही प्रदूषित होती है, इसलिए बच्चों को कागज़ और मिट्टी के खिलौने के का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खिलौने से बच्चों के मानसिक और सृजनात्मकता खिलती है। हम अब एक के बाद एक खिलौने का प्रदर्शन करेंगे। आप ये सब खिलौने देख सकते हैं। ये पतंग हमने कागज़ में से बनाया है, उसमें हम कलर्स और कागज़ का उपयोग किए हैं। वो ये पतंग गतिमान और स्थिर भी है। ये हमने ये एक ही कागज़ को फोल्ड करके घर बनाया है, उसमें कागज़ और कलर्स का उपयोग हुआ। हमने ये दो का पहिया बनाया है। इस पहिए से बच्चों को ऐसे कहीं पहिए भी आ सकते हैं और उनके लिए खिलौना भी हो सकता है। हमने कई संगीत म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बनाए। हमने ये लोखंड की एक पाइप के जुदी अलग अलग लंबाई के टुकड़े कर ये साधन बनाए। इसका इस्तेमाल हम प्रार्थना में भी कर सकते हैं और मोबाइल की रिंगटोन क्रिएट करने में भी रख सकते हैं। प्लास्टिक और बासन की मदद से ये ध्वनि उत्पन्न करता खिलौना बनाया है। हमने ये पाइप और बलून की मदद से ध्वनि उत्पन्न करता खिलौना बनाया है। हमने ये रबर पेन और चॉकलेट कागज की मदद से गुलाल बनाए हैं। रबर पेन अने रिफिलनी मदद थी अमी बंदूक बनावेल छे। पेन रिफिल और रबर की मदद से हमने गन बंदूक बनाई है। हमने ये लकड़ी का झूला बनाया है जो जन्माष्टमी जैसे त्यौहार और घर के शुभ सुशोभन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माचिस बॉक्स और तार की मदद से हमने ये खिलौना बनाया है।
एक पाइप बोतल के ढक्कन और तांबे के तार की मदद से हमने ये खिलौना बनाया है। पाइप और कपड़े की मदद से पौराणिक राजपत्र बनाए हैं जो संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमने ये पुराने जूते और बॉल बेयरिंग की मदद से स्केटिंग बूट बनाए हैं जो हम बाजार में लेने जाए तो बहुत महंगे पड़ सकते हैं, पर हम ये घर पर ही बना सकते हैं। लकड़ी में से खेतों घर बनाए हैं। हमने लकड़ियों में से खेतोजर बनाए हैं, उसके खेतोजर बनाने से हमारी सृजनात्मकता खिलती है। और मिट्टी में से ट्रैक्टर भी बनाए हैं। मिट्टी में से बेल और बैलगाड़ी भी बनाए। हमने ये मिट्टी में से घन के आकार बनाए हैं, जैसे समघन, लंबघन, गोलक, शंकु, प्रिज्म। हमने ये मिट्टी में से मोबाइल बनाया है। मिट्टी में से सीताफल का मॉडल बनाया। हमने ये मिट्टी में से घर की चीजें बनाई है, जैसे सोफा, टेबल, चूल्हा, तवी, टंकी, तपेली, बेलन, कटोरी, ग्लास, चम्मच, कुकर, मटका, ऐसी चीजें बनाई। हमने ये लखोटी और माचिस बॉक्स की मदद से एक खिलौना बनाया है। आपने देखा कि हमारा उद्देश्य मिट्टी और कागज के खिलौने बनाने चाहिए, जिसकी वजह से हम प्लास्टिक से दूर रह सकते हैं और हमारी सृजनात्मकता की मदद से हम हमारे देश के खिलौने उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।